बाजे घर घर शहनाई, पापियों का वध करके आए अवध में रघुराई, पापियों का वध करके आए अवध में रघुराई। सोने का रथ होगा भगवा भारत होगा, राम का अयोध्या में ऐसा स्वागत होगा, राम का अयोध्या में ऐसा स्वागत होगा। घड़ियां अभिनंदन की राघव के बंधन की, सरयू के मीठे जल में खुशबू है चंदन की, सरयू के मीठे जल में खुशबू है चंदन की। प्रभु राज संभालेंगे, फिर काज संभालेंगे, दूर थे कल जिनसे उन्हें आज संभालेंगे, दूर थे कल जिनसे उन्हें आज संभालेंगे। हम दीप जलाएंगे, दीवाली मनाएंगे, अब कभी राम मेरे बनवास ना जाएंगे, अब कभी राम मेरे बनवास ना जाएंगे। दिन दुख के बीत गए, आ सबके मीत गए, हार गए वैरी रघुवंशी जीत गए। सबकी से झूठे बाकी सबकी से झूठे, अब इंडक्शन अंदर से आंखों के अंदर वाले हिस्से को ऊपर नीचे की तरफ थोड़ा प्रेस करें, ढीला छोड़ें, प्रेस करें ढीला छोड़ें। इंडक्शन अंदर से आंखों के अंदर नीचे वाले हिस्से को ऊपर थोड़ा प्रेस करें, ढीला छोड़ें। दोनों आंखों के बाएं दाएं जो हल्के से गड्ढे हैं उसको दबाएं, इंडक्शन अंदर से ढीला छोड़ें। पहली दो उंगलियों से आंखों के नीचे अंदर से बाहर मसाज करें। आंखों के चारों तरफ मसाज करें, ऊपर नीचे बाएं दाएं। इससे मेरा विजन बढ़ता है, सामने वाले व्यक्ति के मन में क्या विचार कर रहे हैं उसको ग्रहण करने की क्षमता मेरे में आती है, अपने विचारों को दूसरों तक भेजने की क्षमता आती है। वहां से कोमलता से बंद करें, एकदम शांत ध्यान स्वास्थ्य को। लंबी लय में एक बार ओम का उच्चारण करें। शुभकामनाएं देता हूँ और आपको बहुत बहुत बधाई दिवाली की, दीपावली की। आप सबके पर आप बहुत स्वस्थ रहें, आपके परिवारों में समृद्धि आए और आप आध्यात्मिक तौर पर आप ऊपर उठें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद, कुछ समय करें, बहुत ही शुभ अनुभूति होगी। इसको किसको सिद्धि की और याद करते हैं, पूरे शरीर का मानसिक अवलोकन कर लें, कहीं भी कोई तनाव बिल्कुल नहीं।
एकदम शांत भाव से बैठिए और आते जाते हुए श्वास को देखने पहले मन शांत हो जाएगा इससे। अब श्वास को जब भीतर जाए तो भीतर जाती हुई श्वास की स्पर्श को महसूस करें, श्वास बाहर आए तो बाहर निकलती साथ साथ अपने भोजन को भी युक्त आहार लूंगा, ऐसा मन में संकल्प करना है कि मैंने युक्त आहार लेना, बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट ही मेरे अभ्यास को अच्छा बनाएगा और दूसरों को स्वस्थ रहने की प्रेरणा देनी है, यही है जी। और जीवन दो तो संस्थान ने हमें जीवन मूल्य को दिया है, संकल्प करेंगे कि इस जीवन मूल्य को का मैं अपने जीवन में विस्तार करूं। एक बार ओम की लंबी ध्वनि, दोनों हथेलियां परस्पर आपस में घर्षण करें, हाथों में आई इस दिव्य ऊर्जा को तेरे पर शरीर पर धारण करते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर आपको दिवाली की शुभकामनाएं। अपने आप को योग से जुड़े रखें, ऐसा संकल्प करके यहाँ से घर में जाते हैं। और दिवाली आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो, आप अपने जीवन में स्वस्थ रहें, शांत रहें और दूसरों को योग के प्रति प्रेरित करते रहें। आप सभी का आने का धन्यवाद। शुभ संकल्प लेके जाएं कि अगले साल इस दिवाली के अवसर पर